स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, मेरे पास जैसे कि आया है हीरो कंपनी का सीबीजेड एक्सट्रीम बाइक, और ये बाइक जैसे कि 50,000 किलोमीटर चला है। तो 50,000 किलोमीटर चलने का बाद बाइक में पोल्यूशन आ रहा है थोड़ा, और इंजन का साउंड जैसे कि ख़राब नहीं था, बेहतर था। तो मैंने क्या किया, जो इस बाइक में पोल्यूशन आ रहा है तो पोल्यूशन के लिए हम लोग फुल इंजन नहीं बनाएंगे गाइस, हम लोग इसमें हाफ इंजन बनाएंगे। तो हाफ इंजन हम क्यों बना रहा हूँ कि अभी ये पूरा इंजन हम लोग का सील है कंपनी का। अगर जैसे कि हम लोग कैनेडियन रॉड खोल के अगर जैसे कि चेंज कर दे, मेन वायरिंग चेंज कर दे, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाइक में साउंड क्वालिटी हम लोग का बेहतर से बेहतर आ रहा था, पोल्यूशन आ रहा था, इस कारण से मैंने इंजन खोला है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का बाइक आता है, अगर आपके पास इस तरह का बाइक है और अगर इंजन का काम अगर आप लोग कराना चाहते हो और मैकेनिक अगर करना चाहते हो, तो मेरा वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए। हम डिसीजन आप लोगों को देने वाला है कि इस इंजन में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो गाइस, मैंने सिर्फ हेड सिलेंडर खोला है और कुछ भी नहीं। अब इसमें हम लोग चेंज करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, हम लोग जैसे कि ब्लॉक किट ये नया लगाएंगे, स्टैंडर्ड है बट बोरिंग नहीं करेंगे। कस्टमर बोल रहा था पैसा लगे लगे या मेरा काम अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि ब्लॉक किट नया डालेंगे, बाल्ब किट डालेंगे, और जिसमें कि पिस्टन तो ब्लॉक किट के साथ आता है, और जैसे कि यहाँ हम लोगों का ब्लॉक किट है देखिए। तो गाइस ये हम लोग का ब्लॉक किट, ठीक है, इसमें दिया गया है पैकिंग है, ओरिंग है हेड का, और इसमें हम लोग का हाफ किट लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सवाल है, यहाँ हम लोगों को जैसे कि पिन देखने को मिल रहा है, इस जगह पर पिस्टन का पिन है, और यहाँ रिंग है, और जैसे कि यहाँ हम लोग का पिस्टन है। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से फिटिंग करें और शेडिंग किस तरह से करें। ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सिलिक ब्लॉक किट डालेंगे और वाल्व किट डालेंगे। तो गाइस वाल्व किट डालने से पहले लेद में जाके ग्राइंडिंग करा लीजिए, मैंने ग्राइंडिंग कर लिया है, और वाल्व सील तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो चलिए वाल्व सील मैंने यहाँ रेडी कर लिया है। तो गाइस पिस्टन जो कंपनी का आता है थोड़ा ढीला आता है, तो आप लोगों को संभाल कर लगाना पड़ेगा। देखो कंपनी का पिस्टन इतना ढीला है, थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ, कंपनी इतना पिस्टन ढीला क्यों देता है। अगर हम लोग गलती फिट कर ले तो पिस्टन में आवाज़ भी आ सकता है, तो हम लोग को संभल के सिलेंडर ब्लॉक किट लगाना है। देखिए यहाँ किट किट कर रहा है, तो ये चीज़ गौर कीजिए, कंपनी क्या कर रहा है, ब्लॉक को थोड़ा ढीला दे रहा है कि बाद में जैसे कि सीज ना हो। तो हम लोग को कुछ डिसीजन मानना है जिसमें कि हम लोग को बेहतर से बेहतर चले और बाइक का परफॉर्मेंस बेहतर आए। तो हम लोग को फिटिंग अच्छी तरह से करना है, और फिटिंग करने के बाद क्या क्या चीज़ को जैसे कि देखना है, और बाइक जितनी ज़्यादा जाएगा वो आप लोगों को बताऊंगा स्टार्ट करने के बाद। तो चलिए अभी फिटिंग करता हूँ। जैसे कि कंपनी ने अभी किया क्या है, कोई भी रिंग पिस्टन कोई भी कुछ जैसे कि फिटिंग नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, आप लोग रिंग किस तरह से लगाए हैं। काफ़ी सारे मैंने वीडियो लगा के रखा है, लेकिन ब्लॉक किट में हम लोगों को पिस्टन किस तरह से दें। तो गाइस एन आई लिखा है, उसको इस तरह से रहेगा हम लोग इंडेक के साइड में, और एग्जस्ट के साइड में रहेगा ये, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एक सर्क्लिप लगाएंगे गाइस, तो सर्क्लिप इस पार पे लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस सर्क्लिप हमने लगा दिया है, ठीक है, सर्क्लिप लगा दिया। अब हम लोग गर्जन पिन लगाएंगे, पहला स्टेप हम लोगों को सर्क्लिप लगाना है, दूसरा स्टेप हम लोगों को गर्जन पिन लगाना है, उसके बाद रिंग लगाऊंगा। चलिए इस साइड से लगाता हूँ। तो मैकेनिक गलती कर देते हैं, रिंग का जो ग्रूप होता है, कार्टिंग होता है, ये सही से नहीं लगाता है, बाइक में पोल्यूशन आने को चालू हो जाता है। तो गाइस आज आप लोगों को तरीका बताऊंगा किस तरह से आप लोग जैसे कि रिंग को सेटिंग करें। तो सबसे पहला जो स्टेप है गाइस, ये नेट रिंग को हम लोगों को लगाना है। अब ये हम लोग को जैसे कि इन साइड इस तरह से रहेगा, तो यहाँ जो कार्टिंग है हमको इस तरह से लगाना है। अब ये चीज़ को गौर करना है, ये जो हम लोग का कार्टिंग है अब ये किस तरह से लगाए, तो ये जो कार्टिंग है हमको रखना है बाहर साइड, इस साइड नहीं, बाहर साइड हम लोग को रखना है। तो चलो कार्टिंग बाहर साफ लगाते हैं, यहाँ से कार्टिंग हम इस साइड रखा है और इस साइड कार्टिंग नहीं रखा है। अब दूसरा स्टेप है गाइस, मेन पॉइंट हम लोगों का ए रिंग है, तो चलिए इसको दबा के हम लोग देखेंगे कौन सा साइड पर भाग रहा है। देखो ये साइड भाग रहा है, तो इसको हम लोग रखेंगे जैसे कि गाइस यहाँ से देखिए, जो गजन पिन लगाया है, गजन पिन के साइड हम लोग इस तरह से जैसे कि फिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो गजन स्क्रीन के साइड हम लोग जैसे कि फिटिंग कर दिया। अब ये एक वायल रिंग को हम लोगों को फिर दबा के देखना है कौन सा साइड में भाग रहा है। अब इसको इस साइड में नहीं लगाना है, अब इसको उलट उलट करना है। देखिए
इसको इलट उलट करना है, तब यहाँ से जैसे कि ऑपोजिट साइड में हम लोगों को लगाना है। चलिए इस तरह से हम लोग इसको लगा देते हैं। अब गाइस ये लॉक मैंने क्यों किया, तो ये अगर दबा के हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को लॉक, जैसे कि हम लोगों को रिंग इस साइड में भागता है, इस साइड में भागता है। इसका काम क्या है, जब भी बाइक में चलेगा गाइस ये रिंग हम लोग का जैसे कि लॉक करेगा, पिस्टन को लेके जाएगा वाइल को, और जब आएगा रिटर्न तो वाइल को साथ में लेके आएगा और जिसमें कि क्रैंक शाफ्ट में ठेल देगा। फिर क्रैंक शाफ्ट क्या करेगा, वाइल को छीटा मारेगा और फिर ऑटोमेटिक जब रिटर्न आएगा तो वाइल को लेके आएगा। तो अब समझ में आया। अब चलिए हम लोग ब्लैक रिंग को लगाते हैं, जैसे कि एक साइड पे जो काला रिंग है एक साइड में लगा दिया। अब आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ मैंने रिंग का ग्रुप कहाँ कहाँ दिया है, जिसमें कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चले और आप लोग फिटिंग कर सके। तो गाइस जैसे कि एक रिंग यहाँ ग्रुप दिया और कंप्रेसर एक यहाँ दिया और वायरिंग यहाँ दिया और यहाँ दिया, इसका मतलब चारों साइड हम लोगों का रिंग है और ऊपर है हम लोगों का जैसे कि प्रॉपर रिंग और नेट रिंग। तो चलिए आपने समझ में आ गया, चलिए बाइक में फिटिंग करता हूँ। तो गाइस मैंने पैकिंग डाल दिया है, अब जैसे कि हम लोग डालेंगे पिस्टन को, ठीक है। तो गाइस सर क्लिप लगाने से पहले कपड़ा दे दीजिए, अगर सर क्लिप उड़ के गिर जाएगा तो पूरा इंजन हम लोगों को खोलना पड़ेगा और टाइम भी हम लोगों का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कि सर क्लिप बाइक में फिटिंग कर दिया है, पुलार लाइए और गाइस यहाँ देखिए पिस्टन लगाने का हम लोग का लॉक है, जैसे कि इसमें हम लोग डाल देंगे और पहले हम लोग लुब्रिकेंट कर लेते हैं इंजन ऑयल से, जिसमें कि अगर हम लोग मैग्नेट घुराए और कीक मारे तो थोड़ा हम लोगों को घिसा ही नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से लुब्रिकेंट होना चाहिए। तो मैंने लुब्रिकेंट कर दिया है। अब दूसरा काम है जो पिस्टन को थोड़ा घुमा के लॉक में हम लोग सेटिंग करेंगे गाइस। तो चलिए लॉक में हमने सेटिंग कर लिया गाइस, ठीक है। अब हम लोगों का पिस्टन यहाँ से जैसे कि नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर भी नहीं जाएगा, अब हम लोग आसानी से ब्लॉक को बैठा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा ब्लॉक में भी हम लोग लुब्रिकेंट कर लेते हैं अच्छी तरह से, जिसमें कि घिसाई ना हो और जैसे कि प्रॉब्लम ना हो। चलिए और एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ जो बूस है बेंजीर बूस, ये बूस देने ना भूलिए, क्योंकि बूस अगर हम लोग ना दें तो जैसे कि इंजन एक साइड में बैठ जाएगा और बाइक में साउंड करेगा। टाइमिंग चेन हम लोग बाद में जैसे कि घुसाएंगे, पहले सेंटर कर लेता हूँ, बस गया है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा पिस्टन जा चुकी है, ठीक है। अब हम लोग टाइमिंग चेन को ऊपर खींचेंगे, चलिए ऊपर खींच लिया है, चलो लॉक टर्न हो। अब गाइस यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग जैसे कि बोलो किट को नीचे करेंगे, थोड़ा दबा के रखो और जैसे कि थोड़ा हम लोग मूविंग करेंगे, जिसमें कि हम लोग लुब्रिकेशन अच्छी तरह से हो जाए और जैसे कि सेटिंग हो जाए, तो पिस्टन को टॉप में ले जाके हम लोग छोड़ देंगे। बस हमारा ब्लो किट सेटिंग हो चुकी है गाइस। ये दो बूस देना भूलना नहीं, ये बूस हम लोगों को देना चाहिए। चलिए बूस को कोना कोनी भर देते हैं। अब गाइस यहाँ हम लोगों को पैकिंग डालना है, तो चलिए पैकिंग भी डाल देते हैं। बस अब हम लोग हेड फिट करेंगे। टाइमिंग चेन को खींच के रखेंगे ऊपर और जैसे कि हाथ में पकड़ेंगे, जिसमें कि टाइमिंग चेन हम लोग को मैग्नेट से ना गिरे। बस तो गाइस यहाँ का काम खत्म, अब हम लोग जैसे कि फिटिंग करेंगे कैमशाफ्ट। तो सो गाइस टाइमिंग चेन हम लोग कैमशाफ्ट फिट करेंगे तो इसको न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से रखेंगे जिसमें कि हम लोग को रॉकर दोनों फ्री रहा है। तो चलिए फिटिंग करता हूँ। हम लोगों का कैमशाफ्ट फिटिंग हो चुकी है, लोग फिटिंग करेंगे जो बाइक में टाइमिंग है, टाइमिंग आप लोगों को फिटिंग करेंगे, तो इसको रखेंगे इसी हिसाब से पॉइंट को नाट के सीधा। और यहाँ देखिए एक पॉइंट है,
इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट हम लोगों को सही होना चाहिए और पिस्टन टॉप में होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ परफेक्ट टाइमिंग बना के, जिसमें कि आप लोगों को आसान हो जाए और आप लोग आसानी से कर सकते हो। थोड़ा प्लाक का छेद में स्क्रू ड्राइवर भरेंगे और पिस्टन को हम लोग श्योर होंगे जो पिस्टन टॉप में है कि नहीं। तो गैस एक टाइमिंग हम लोग को रॉन्ग है, तो चलो एक टाइमिंग हम लोग नीचे की तरफ ले जाएंगे, जिसमें कि लेफ्ट राइट और एकदम 100% श्योर होंगे तो ही बाइक फिट होगा। टाइमिंग अगर गलत रखे तो हम लोग को दिक्कत में आ सकता है बाइक का ट्यूनिंग। बस टाइमिंग हम लोगों का परफेक्ट है, आपको दिखाता हूँ, पहले नाट लगा लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। मैग्नेट को पकड़ के हूँ और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, जिसमें कि नाट ढीला ना हो। बस अब आप लोगों को दिखाता हूँ हमने टाइमिंग किस तरह से रखा। तो गाइस यहाँ देखिए लेफ्ट राइट मार्किंग हम लोगों का पोजीशन सही है और पिस्टन हमने टॉप में किया है और कैमशाफ्ट का न्यूट्रल भी पोजीशन रखा है, जिसमें कि रॉकर हम लोगों को दोनों हिलना चाहिए। तो हम लोगों का रॉकर हिल रहा है, अब टाइमिंग बन गया है। तो गाइस अब थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को दिखाता हूँ जो रॉकर हम लोग किस तरह से रखे हैं। तो गाइस रॉकर हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने नया बाल्ब लगाया है, 0.8 mm रॉकर का रखेंगे, तो रॉकर का मिलाने का रेंज लाइए 0.8 mm हम लोग रखेंगे रॉकर की दूरियाँ, जिसमें कि बाइक का परफॉर्मेंस बेहतर दे, ट्यूनिंग अच्छा आओ और पिकअप भी बेहतर मिले। तो 0.8 mm मैं रखता हूँ काफ़ी सारे बाइक में, जैसे कि यूज करता हूँ और मुझे खास करके अच्छा लगता है। तो चलिए आहिस्ता करके लेके जाता हूँ और जैसे इस नाट को हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, जाम कर देंगे ले जाने के बाद, इससे परफेक्ट होता है, कम बेस नहीं होगा। तो चलो डाल लेता हूँ। अब यहाँ देखिए हम लोग का हल्का हल्का गेज रहा है, अब दूसरे को भी हम लोग ये करेंगे, एडजस्ट करेंगे। मैंने भाल्व चेंज किया, पोजीशन चेंज हो जाएगा इसका, तो रॉकर हम लोगों को मिलाना है, ये नहीं जो ढीला रखेंगे या टाइट रखेंगे। थोड़ा लाइट को ऊपर करो, बस बस। तो गाइस अब हम लोगों का इंजन बन चुकी है, अब हम लोग जैसे कि बाकी का सामान रखेंगे और फिट करेंगे गाइस। तो आप लोगों को यहाँ देखना चाहिए था, ज़्यादा मेन पॉइंट यही था, और बाकी ढक्कन है, कार्बोरेटर है, फैलेंजर है, ये सब कुछ अपने हाथ में कर सकते हैं। तो चलो बाइक में फिटिंग करने के बाद आप लोगों को जैसे कि स्टार्ट करके दिखाऊंगा साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, और उसके बाद आप लोगों को तरीका बताऊंगा, नियम बताऊंगा, जो किस तरह से आप लोग जैसे कि माने बाइक को चलाए, कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले कस्टमर को क्या क्या बोलना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं बाद में। तो सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंजन मैंने फिटिंग कर लिया है, अब आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखा रहा हूँ जो कैसा आ रहा है बाइक में। इंजन का साउंड मुझे खास करके बहुत अच्छा पहले भी लगा था और फिटिंग करने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, और आरपीएम भी हम लोगों का एकदम ट्यूनिंग भी बेहतर आया। अभी जैसे कि बाइक स्टार्ट है, आप लोगों को नहीं लग रहा है बाइक स्टार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैकेनिक दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, कुछ नया सीखने को मिला। जो हीरो कंपनी का CVZ एक्सट्रीम बाइक अगर आप लोगों के पास आता है, जैसे कि 50,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर अगर बाइक चलते हैं तो बोलते पोल्यूशन आता है, तो इसके लिए आप लोग फुल इंजन मत खोलो, क्योंकि कंपनी सेट हम लोगों को जो फिटिंग होता है बाइक में बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर अगर बाइक चल जाता है तभी आप लोगों को खोल रहा है, जैसे कि साउंड क्वालिटी ख़राब हो तभी खोल रहा है, लेकिन सिर्फ अगर पोल्यूशन आए तो आप लोगों को नहीं खोल रहा है। तो काम करते करते अभी रात हो चुकी है और जैसे कि आप लोगों को दिखाया कंप्लीट वीडियो, आप लोगों को बताता हूँ, बाइक तो मैंने फिटिंग कर दिया है और परफेक्ट जैसे कि बाइक चलेगा, लेकिन कुछ मैं नियम बताता हूँ कस्टमर को, अगर आप लोग हैंड ओवर करें तो क्या क्या चीज़ को गौर करें, जिसमें कि बाइक ज़्यादा दिन जाए और जिसमें कि बाइक हम लोग का सही चले। तो कुछ नियम आप लोगों को बताता हूँ, बाइक को जैसे कि मैंने अभी फिटिंग किया, रॉकर टॉकर सब कुछ चेकअप कर लिया, बट 400 से 300 या 500 किलोमीटर चलाने में कस्टमर को एक बार हमारे पास आना पड़ेगा,
फिर हम जैसे कि रॉकर एडजस्ट करेंगे, बाइक का ट्यूनिंग अच्छी तरह से हम लोग जैसे कि सेफ्टी करेंगे, और कस्टमर को ये बोल देंगे जो बाइक को अभी तीन आदमी नहीं चलाना है, तीन आदमी जैसे लोड नहीं देना है, और 40 के ऊपर जैसे कि बाइक को नहीं चलाना है, अगर 40 के ऊपर चलाएंगे तो बाइक आपका चल जाएगा। ब्लॉक किट में जब तक हम लोगों का हीट नहीं हो जाता है, ताकत नहीं मिल जाता है, गर्म नहीं हो जाता है, जैसे कि 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद और हम लोग का इंजन जैसे कि हम लोग ओवर हीट हो जाता है, तो उस वक्त जैसे कि हम लोगों का जो इंजन का परफॉर्मेंस है बेहतर आता है और उस वक्त अच्छा चलता है। तो हम लोगों को क्या करना है, तीन आदमी लोड नहीं लेना है, 40 के ऊपर बाइक नहीं चलाना है, और 300 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद बाइक को जैसे कि इंजन ऑयल नया डालना है, तो ये चीज़ गौर करना है, तभी बाइक हम लोग का जैसे जाएगा। मैंने तो बाइक बना दिया, मैकेनिक तो बना देते हैं, लेकिन ये सब कस्टमर जैसे कि भूल जाते हैं काम कराने के बाद, अरे मैंने तो 5,000 रुपये खर्चा कर दिया बट अभी मेरा बाइक चलेगा, हम नहीं जाएंगे जैसे कि एक साल बाद मैकेनिक के पास जाएंगे, एक साल बाद आते हैं तो इंजन का हालत ख़राब हो जाता है। तो आप लोग गौर कीजिए, इंजन मेहनत करके आप लोग पैसा वेस्ट करते हो, खर्चा करते हो 5,000 रुपया, तो आप लोगों को जैसे कि कुछ नियम मानना है, ठीक है, वो नियम मानिए आप लोग, जैसे कि आपका इंजन जाएगा। तो गाइस यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोग काम आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।